नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज IHP जो सब्जेक्ट है उसमें का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो देखना है कि जैसे आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद उसका जो सिंबल है वो बनाना है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक का ट्रेनर किट है और यहाँ पे साइड में मेरे राइट हैंड साइड में न्यूमेटिक का ट्रेनर किट है। तो अगर आपने पहले जनरल लेआउट नहीं देखा है हाइड्रोलिक का तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो की तरफ आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले शुरुआत करते हैं हाइड्रोलिक ट्रेनर किट से, फिर न्यूमेटिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हाइड्रोलिक में क्या होता है, पहला जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है कि आपका रिजर्वायर है। रिजर्वायर में क्या होता है कि मेटेलिक टैंक होता है जिसमें आपका ऑयल स्टोर होता है। उसके साइड में क्या होगा, आपका ग्लास ट्यूब रहेगा जो जिसमें आपको क्या दिखेगा टैंक में कितना ऑयल है। उसके साथ उसके क्या होता है, एक ब्रीदर होता है। तो आपको अभी मैं एक्चुअल आपको रिजर्वायर दिखाता हूँ। अभी आप ये जो देख रहे हो आपका ये पावर पैक है, ये मेटालिक शीट्स का बना हुआ है। आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपका ग्लास ट्यूब है जहाँ से आप क्या देख सकते हो, ऑयल लेवल देख सकते हो कितना है क्या नहीं। फिर यहाँ पे आपका प्राइम मूवर है, आपके टैंक के अंदर आपका क्या है गियर पंप है, जो भी पंप रहेगा वो पंप है। फिर यहाँ से ये आपका ऑयल फिलिंग का, यहाँ से क्या कर सकते हो आप उसमें ऑयल फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो साइड दिख रही है यहाँ से क्या है आपका जो जहाँ से ऑयल आपका सिस्टम की तरफ जाता है और जहाँ से आपका रिटर्न आता है, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारे यहाँ पे होजेस है आपके। अभी ये जो होज खुला है आपका, ये क्या है आपका ऊपर से मतलब रिजर्वायर की तरफ आने वाला आपका होज है। और ये जो दिख रहा है आपको ये होज क्या आपका पंप से आने वाला होज है। फिर यहाँ पे इसका क्या क्या है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से उसके मल्टीपल कनेक्शंस गए हैं, कहाँ कहाँ पे गए हैं देख सकते हो। एक यहाँ पे इनलेट है, फिर यहाँ से तीन कनेक्शन, यहाँ पे इनलेट है आपका और यहाँ से क्या हुआ है तीन कनेक्शन गए हैं। तो एक कनेक्शन कहाँ गया देख सकते हो आप, ये कनेक्शन आपका पीछे पीछे गया है, मतलब ये जो आपका प्रेशर गेज है उसको गया है। फिर इसके बाद एक ये जो होज है ये क्या हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगाया है, वो कहाँ पे गया है आपका ये जो कनेक्शन है वहाँ पे लगाया है, ठीक है। और एक ये जो होज है ये दिख रहा है, ये होज आपका, ये होज कहाँ पे लगाया है, वो जो दिख रहा है वहाँ पे लगाया है। तो देखते हैं अभी इसका फ्लो कैसे होता है। आपका पंप से जो ऑयल आया है वो कहाँ पे गया है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पे गया है, यहाँ पे, ठीक है। अभी पी ब्लॉक लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, पी ब्लॉक लिखा है। फिर पी ब्लॉक से ये जो होज आया है, ये होज का कनेक्शन आपका कहाँ पे गया है, आपके 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल के, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है तो पी में गया है। फिर आपका ये जो दिख रहा है ये आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, ये डिसाइड करेगा कि ऑयल आपको किस साइड भेजना है। फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल से जो है यहाँ पे लिखा है ए, वो कहाँ पे जा रहा है, अभी ये सिक्वेंसिंग का सर्किट है, मतलब ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर गेज है, यहाँ पे आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है, यहाँ पे 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल है आपका। 4x2 मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 फोर पोर्ट्स है और दो पोजिशन है, एक पोजिशन है और ये दूसरा पोजीशन है, ठीक है। और फिर ये आपके एक्चुएटर से, ये सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है। क्यों सिंगल एक्टिंग है, क्योंकि इसको एक ही कनेक्शन है, यहाँ पे एक एंड इसका क्या है ब्लॉक है, तो ये सिंगल एक्टिंग है। ये डबल एक्टिंग क्यों है देख सकते हो आप, इसका एक कनेक्शन यहाँ पे, एक कनेक्शन यहाँ पे, ये आपकी फेस साइड है, ये रॉड साइड है, ये इतने कंपोनेंट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो आपका पंप से आने वाला एक कनेक्शन है यहाँ पे लगाया था, प्रेशर रिलीफ वॉल है यहाँ से। फिर अगर आपका प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो क्या होता है, वो वहाँ से एक पाइप क्या वापस आपकी टैंक के तरफ गया है। ये ऐसे ये आपके हाइड्रोलिक्स के पूरे कंपोनेंट्स थे। फिर यहाँ पे टी ब्लॉक लिखा है, ये टी ब्लॉक क्या है, आपका जो भी कुछ ऑयल है काम होने के बाद क्या होता है आपका रिजर्वायर की तरफ जाता है, यहाँ पे टी ब्लॉक है। जैसे वहाँ पे पी ब्लॉक था, सेम यहाँ पे क्या है टी ब्लॉक है, यहाँ से ऑयल क्या होता है आपका एक्चुएटर मतलब रिजर्वायर की तरफ जाता है, ठीक। अभी आप ये जो देख रहे हो ये न्यूमेटिक का ट्रेनर किट है, इसमें भी अलग अलग आपका
कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट से पहले आपको क्या होना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आज के सुबह के लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर आपको देखा था, मतलब कंप्रेसर है, एयर ड्रायर है, एयर ड्रायर के बाद रिसीवर है, रिसीवर के बाद फिल्टर यूनिट है, रेगुलेटर है, लुब्रिकेटर है, लुब्रिकेटर के बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, और फिर आपका एक्चुएटर रहता है। तो अभी एक एक इसमें के कंपोनेंट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो आपका ये क्या है, कंप्रेसर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये सामने जो आपका कंप्रेसर है, ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक से एयर ले रहा है, फिर उसको कंप्रेस करके यहाँ ये पाइप से आपके क्या हो रहा है, ये नीचे आपका रिजर्वायर है, रिजर्वायर में स्टोर कर रहा है। रिजर्वायर में कितना प्रेशर है आपको ये प्रेशर गेज में पता चलेगा। फिर यहाँ से आप उसका क्या कर लेते हो, प्रेशर का आउटलेट लेते हो और आपके एक्चुअल ट्रेनर किट को लगाते हो। अभी ट्रेनर किट में देखेंगे क्या क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो अंदर का एलिमेंट है, ये अंदर का एलिमेंट आपका फिल्टर है। वो क्या करता है, आपके जो कंप्रेसर से जो एयर आई उसको फिल्टर करता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे ये जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेगुलेटर है। आपका जितना प्रेशर रहेगा सिस्टम की तरफ जाने वाला वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर अभी ये क्या पार्ट है, यहाँ पे ऑयल रहता है और फिर इसके अंदर एक ट्यूब है। वो ट्यूब से ऑयल क्या होता है, जो जाने वाली एयर है यहाँ से, वो ऑयल क्या होता है उसके अंदर स्प्लैश हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कनेक्टर है जहाँ से आप मल्टीपल आउटपुट ले सकते हो। फिर अभी कंपोनेंट देखते हैं क्या है। पहले कंपोनेंट आता है आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5x2 वॉल है, 5x2 लीवर ऑपरेटेड वॉल है। 5x2 कैसे, देखो आप 1, 2, 3 है, आप बोलोगे फिर 5 कैसे, क्या हो गया। इसके ये जो दो पोर्ट है यहाँ पे, ये एयर के लिए ओपन पोर्ट है यहाँ पे दो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 पोर्ट और 2 पोजीशंस, एक पोजीशन है और एक पोजीशन है, एक दो पोजीशंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे है 5x3, 5x3 मतलब ये एक पोजीशन हो गई। आपको सिलेंडर बीच में रुकाना है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बीच में लेना पड़ेगा और ये किसका थर्ड पोजीशन, एक ये, एक दो और ये तीन, ठीक। फिर वहाँ से बात आती है अभी फ्लो कंट्रोल वॉल की। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फ्लो कंट्रोल वॉल लिखा है यहाँ पे, ये आपका एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका फ्लो कंट्रोल वॉल है। आपको अगर समझ में भी नहीं आया तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिखे वाला रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कंट्रोल फ्लो, जहाँ से एरो दिखाया है ना, मतलब यहाँ से इसके तरफ क्या है, कंट्रोल फ्लो है, और यहाँ से इधर क्या है, फुल फ्लो है। फुल फ्लो मतलब इसके अंदर चेक वॉल का यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दो गेट है, एंड गेट और ऑर गेट। एकदम स्टार्टिंग का जो लेक्चर हुआ था ना आपका, उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है क्या नहीं एंड गेट। यहाँ पे ये क्विक एग्जॉस्ट वॉल है, ये भी देखना है क्या है। फिर आते हैं एंड में आपके एक्चुएटर्स, ये डबल एक्टिंग है, मतलब यहाँ पे दो कनेक्शन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके लिए डबल एक्टिंग। फिर यहाँ पे ये क्या है, सिंगल एक्टिंग है, यहाँ पे एक कनेक्शन है, इसका ये ब्लॉक पोर्ट है। फिर ये ऐसे टोटल न्यूमेटिक का ट्रेनर है। फिर उसके बाद ये पायलट ऑपरेटेड है। ये पायलट ऑपरेटेड मतलब क्या है कि इसको आप लीवर से वगैरह नहीं ऑपरेट करना है, आपको क्या करना है, इधर न्यूमेटिक का कनेक्शन देके इसके ये अपने आप फिर ऑपरेट हो जाता है। अभी ये तो वर्किंग, मतलब इसको कंप्रेसर में एयर फिल करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपको, आपका जो हाइड्रोलिक है वो ऑपरेट करके दिखा दे सकता हूँ मैं। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, ये क्या है आपका चेक वॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन लिखा है और एक जगह पे आउट लिखा है। तो क्या होगा, ऑयल जब इधर से आएगा तो क्या होगा, ये जो सर्कुलर एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, वो सर्कुलर एलिमेंट को शिफ्ट करके क्या कर देगा, वो बॉल को ये साइड शिफ्ट कर देगा और ऑयल का फ्लो इधर से इधर हो सकता है। लेकिन जब ऑयल इधर से आता है तो क्या करेगा, वो ये जो सर्कुलर एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में फंस जाएगा और ऑयल का फ्लो इधर नहीं हो पाएगा। ऐसे ये आपका चेक वॉल था, हाइड्रोलिक का चेक वॉल है, ठीक है। अभी
आपका ये जो सामने ट्रेनर किट दिख रही है इसमें क्या है, सीक्वेंसिंग का एक उन्होंने सीक्वेंसिंग का लास्ट ईयर के बैच के स्टूडेंट ने क्या किया था, सीक्वेंसिंग का सर्किट बनाया है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका पंप का ऑयल यहाँ से आएगा आपके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में यहाँ पे, फिर यहाँ से जो ए पोर्ट है, मैंने ए पोर्ट क्या किया है यहाँ पे कनेक्ट किया है, फिर यहाँ से ऑयल क्या होगा, पहले आपका ये जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है उसके वहाँ पे जाएगा, फिर वो सिलेंडर एक्चुएट होने के बाद वहाँ पे क्या होगा, बैक प्रेशर जनरेट होगा, और बैक प्रेशर क्या होगा जाएगा ये पाइप से आपके ये प्रेशर सीक्वेंस वाल्व में आएगा, फिर प्रेशर, ये प्रेशर सीक्वेंस वाल्व एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सेट किए वाला रहता है। तो क्या होगा, प्रेशर सेट करने के बाद वहाँ से बैक प्रेशर जनरेट होने के बाद ये वाल्व क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा प्रेशर की वजह से, और फिर ऑयल क्या होगा यहाँ से, ये ऑयल यहाँ से आपके डबल एक्टिंग में जाएगा और फिर आपका सिलेंडर आगे जाएगा। मतलब पहले सिंगल एक्टिंग एक्चुएट होगा फिर डबल एक्टिंग एक्चुएट होगा, देखते हैं कैसे होता है। अभी ये सिस्टम ऑन हो गई, मतलब पंप ऑन हो गया, आप सुन सकते हो उसका आवाज़। अभी मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, आप पहले वहाँ पे देखिए वो सिलेंडर पे। पहले वो ऑपरेट हुआ, बाद में ये, अभी कैसे वो थोड़ा जाम है इसलिए आपको वो नहीं दिख रहा है, फिर भी देखते हैं एक बार। अभी आपको दिख रहा है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं क्योंकि प्रेशर की वजह से, लेकिन पहले क्या होगा, पहले वो ऑपरेट होगा बाद में ये ऑपरेट होगा। ये ऐसे सीक्वेंसिंग का एक सर्किट था, ये इंट्रोडक्टरी आपका प्रैक्टिकल है। बेसिकली आपको पहले पूरे कंपोनेंट पता होने चाहिए कि कंपोनेंट क्या है, बाद में एक एक प्रैक्टिकल धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।